नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सुधीर चौधरी को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलना था। टॉपिक था अगले 5 सालों में क्या बदलेगा। उन्होंने शायद गलत समझ लिया और बोलने लगे इस टॉपिक पर कि मैं पत्रकार नहीं, एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। फेक न्यूज की फैक्ट्री सुधीर चौधरी ने बोलना शुरू किया, लोगों को भावुक करने के लिए और अपनी स्वामी भक्ति साबित करने के लिए। सबसे पहला वाक्य कहा कि यहाँ 99.9% लोग अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा। कितनी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि पहला बदलाव यही है कि आज 5-स्टार होटल में फैंसी लंच के बीच हम हिंदी में बात कर पा रहे हैं। आने वाले 5 सालों में ऐसे इवेंट्स और मामले और देखने को मिलेंगे। अब आप समझिए, यहाँ का मतलब हुआ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में। इंडिया टुडे अंग्रेजी का न्यूज चैनल है जिसका हिस्सा आज तक है, जिसके एंकर हैं सुधीर चौधरी। ये बात बोलकर सुधीर ने अपने ही संस्थान के इमेज की धज्जियां उड़ा दी। एक न्यूज चैनल में जिसका हेड ऑफिस नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में है, जिसका हिंदी चैनल टॉप पर है, क्या वहां के कर्मचारियों को हिंदी नहीं आती? अपने ही संस्थान के लिए फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों को आम भाषा में भस्मासुर भी कहा जाता है। दूसरी बात, एक हिंदी भाषी का हिंदी में बात करना भाजपा की उपलब्धि कैसे हो गई भाई? सुधीर चौधरी जैसे लोग ये फेक न्यूज सालों से फैला रहे हैं कि हिंदी में केवल एक नेता बोलता है, केवल मोदी जी ही बोलते हैं। हजारों लाखों वीडियोस हैं अलग अलग नेताओं के जो हिंदी में बात करते हैं और भाषण देते रहे हैं। नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जो कि हिंदी भाषी भी नहीं थी, वो भी हिंदी में ही बात करती हैं। ये सारे नेता जरूरत के हिसाब से अंग्रेजी या हिंदी में बोलते रहे। मोदी जी का अंग्रेजी में कभी ना बोलना आपको उपलब्धि लग रही है? जरूरत और मजबूरी के बीच का अंतर भी तो समझिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदी और गुजराती में ही ज्यादा सहज हैं, अंग्रेजी में नहीं। समय समय पर भाजपा विरोधियों ने अंग्रेजी की गड़बड़ियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल करने की कोशिश की है। जितना गलत भाषा के आधार पर उनका मजाक उड़ाना है, उतना ही गलत है उनकी मजबूरी को उपलब्धि बताना। भाषा एक जरिया है अपनी बातचीत को लोगों तक पहुँचाने का। जहाँ जब जिस भाषा में बात करने से लोगों को समझ में आए, उसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से होता है। यही तो कारण है कि दक्षिण भारत जाने पर मोदी जी नमस्ते नहीं, वड़क्कम करते हैं। हजारों भाषाओं वाले देश में केवल एक भाषा को थोपने के कारण ही दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा का विरोध होता रहा है। भाजपा पैर नहीं पसार पाती। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी प्राचीन भाषाओं को दरकिनार करके हिंदी को थोपने का खूब विरोध हुआ है और अभी भी हो रहा है। भाजपा की बड़ी नेता हैं निर्मला सीतारमण, दक्षिण भारत से आती हैं, लेकिन केवल अंग्रेजी में भाषण देती हैं क्योंकि उनकी हिंदी कमजोर है। इसका मतलब वो हिंदी का अपमान कर रही हैं। और तीसरी बात, हिंदी का झंडा उठाने वाले सुधीर चौधरी बिना अंग्रेजी बोले और बिना अंग्रेजी के 4-5 शब्द बोले एक वाक्य तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसी भाषण में। सुधीर चौधरी, जो आप बोल रहे हैं उसे इंग्लिश कहते हैं, हिंदी नहीं। जिस बात को कहने में एक बार कोई संघी भी शर्मा जाए, वो बातें शर्मो हया के पर्दे गिरा के सुधीर चौधरी ने बोलना शुरू किया। हिंदू मुस्लिम करने लगे, और कौन सा पहली बार कर रहे हैं। चौधरी ने कहा, सबसे स्लो लेन हिंदुत्व की है। ये कहा गया है कि आप बहुसंख्यक हो तो आप आराम से चलो, जो 100-125 की स्पीड पर चल रहे हैं वो माइनॉरिटीज की गाड़ियां हैं, कहीं उनको चोट न लग जाए इसलिए आप ठीक से चलाइए। टोल भी बहुसंख्यक कम्युनिटी को ज्यादा देना पड़ता है। अब इससे बहुसंख्यक कम्युनिटी में गुस्सा पैदा हुआ है। सुधीर चौधरी की इस बात को टेक्निकल टर्म में भी देखें तो बहुत ही बचकानी बात है और यातायात नियमों के विरुद्ध है। तुम्हारे हिसाब से बहुसंख्यक बड़ी गाड़ी है पर उन्हें स्लो करके गलत किया गया है। भाई, सड़क पर भी तो ऐसा ही है। एक्सीडेंट से बचाने के लिए बड़ी गाड़ियों को सावधानी बरतने की राय दी जाती है। ये तो ड्राइविंग 101 है। खैर, इन वाहियात टर्म्स से निकल करके सीधी भाषा में सुधीर चौधरी की बात समझें तो वो यही कह रहे हैं कि हिंदुओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और मुसलमानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुधीर चौधरी की इस वाहियात बात का मुंह तोड़ जवाब उसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद उनके साथी एंकर राजदीप सरदेसाई ने दे दिया।
राजदीप सरदेसाई ने कहा कि अब की बार 400 पार की बात होती है, इस 400 में मुस्लिम कहाँ है? अभी भी भाजपा का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। मुसलमानों के लिए स्टेरियोटाइप बनाया गया जिसमें नेताओं के साथ हम यानी कि मीडिया वाले भी जिम्मेदार हैं। हेट पॉलिटिक्स यानी कि नफरत की राजनीति फैलाने में मीडिया का भी हाथ है। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जब राजदीप बोल रहे थे, सुधीर खिसियाना सा मुंह बनाए देख रहे थे। और सुधीर को कहां दिख गया कि मुसलमानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है? पिछले 10 साल से ये खुद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में मुसलमान आगे बढ़ने के बजाय पीछे ढकेल दिए गए। हालत तो इस समय देश की सारी जनता की ही खराब है, पर उनमें भी सबसे बदतर स्थिति में मुसलमान हैं। 2022 में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट जॉब डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया यानी कि भारत में रोजगार का भेदभाव से ही सुधीर चौधरी के इस फेक न्यूज की पोल पट्टी खुल जाती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में मुसलमानों के साथ जॉब डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है, यानी रोजगार देने में उनके साथ भेदभाव ज्यादा होने लगा है। ये रिपोर्ट बताती है कि शहरों में केवल 15.6% मुसलमान ही रेगुलर सैलरी वाली नौकरियों में हैं, वहीं नॉन मुस्लिम 23.3% हैं। देखिए, बेहाल तो सभी धर्म वाले आपको नजर आ रहे होंगे ये आंकड़े देखने के बाद, लेकिन सबसे ज्यादा बेहाल मुसलमान ही हैं। इससे पहले सुधीर चौधरी एक और फेक न्यूज फैलाएं और कहें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुसलमान कम पढ़ते लिखते हैं, उससे पहले हम आपको असल कारण भी बता देते हैं। नौकरियों की संख्या में अंतर के पीछे सबसे बड़ा कारण भेदभाव है। मुसलमानों को नौकरी ना मिलने के पीछे 70% कारण है भेदभाव। इतना ही नहीं, आंकड़े ये भी पोल खोलते हैं कि नौकरी मिल भी जाए तब भी मुसलमानों के साथ सैलरी में भी भेदभाव होता है। गैर मुस्लिम कर्मचारियों की अपेक्षा मुस्लिम कर्मचारियों को 49% कम सैलरी मिलती है। संघी कह दो तो बुरा मानने वाले सुधीर ने अपने आप को संघी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भर भर के आरएसएस की तारीफ की। खैर, बोलते बोलते सुधीर चौधरी भाजपा को ही ट्रोल करने लगे। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से आपके विपक्षी पार्टियों के नेता आलसी बन जाएंगे। बीच बीच में छोटा मोटा चुनाव जीत के पावर बूस्ट जो मिलता है वो नहीं होगा। बहुत कम नेता हैं राजनीति में जिनके अंदर 5 साल बिना सत्ता के रहने का धैर्य होता है। अब बताइए, भाजपा और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पर सीधा निशाना है ये। धैर्य होता तो मेयर के छोटे मोटे चुनावों में धांधली नहीं करनी पड़ती ना। पावर बूस्ट के लिए इतने बेचैन कि कैमरे पर चोरी करवाने लगे। ब्राह्मणवादी सवर्णवादी भाजपा के सेवक चौधरी को अचानक से सभी जातियों में मेल मिलाप की जरूरत महसूस होने लगी। अरे, कोई भाईचारा और सौहार्द वाला हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। इनका कहना है कि सब लोग जाति भूल जाओ और कट्टर हिंदू बन करके भाजपा को जिताओ। चौधरी ने भाजपा की जीत का नया उपाय बताया कि भारत में मुसलमानों दलितों और ओबीसी की पार्टियां हैं, अगर ये लोग मिलके हिंदू की तरह वोट देने लगे तो भाजपा का शेयर सोचिए कितना हो जाएगा। अगले 5 सालों में भाजपा इसकी कोशिश करेगी, हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग शायद शुरू हो जाए। दलितों की दुर्दशा पर चुप्पी साधे रहने वाले तुम, जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले तुम, दलित नेताओं का अपमान करने वाले तुम, हेमंत सोरेन एक एसटी नेता जिसका मुख्यमंत्री रहते हुए जंगली बोलकर अपमान करने वाले तुम, आज तुम्हारे अपराध भूलकर एक होने की बात कर रहे हो, वो भी हिंदुत्व के नाम पर और भाजपा के लिए। गजब हाल है भाई। लोकतंत्र में धर्म के नाम पर वोटिंग हो इसकी उम्मीद एक पत्रकार कर रहा है। सीधे कहो कि उम्मीद है अगले 5 सालों में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। नाम के आगे से पत्रकार का तमगा हटा लीजिए। अब तो हमाम में नंगे होकर आप जहरीली बातें कर ही रहे हैं, अब किस बात की शर्म बची है। खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें जो अन्य माध्यमों से आपके सामने नहीं आ पाते, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।